दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना। और आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि हम कितनी सिंपल तरीके से हम एक सर्टिफिकेट के अच्छे फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली एक फॉर्मेट बना हुआ है, अब हम एक न्यू फॉर्मेट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, एक नया पेज लेंगे, कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद सबसे पहले आपने लेआउट में इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना है, लैंडस्केप करना है। उसके बाद डिजाइन में आ जाओ और यहां से पेज बॉर्डर लेंगे बॉक्स, उसके बाद ओके कर दें। इंसर्ट में आ जाओ और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। टेप और एडिट पॉइंट्स, एट पॉइंट कर दे। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर। उसके बाद इसकी डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल प्लस डी, और यहाँ से उसके कलर चेंज कर दें। अब इसको सेंड बैकवर्ड कर दें, ऊपर की तरफ मूव कर, यहाँ से शेप आउटलाइन और यहाँ पर नो आउटलाइन कर दें, और इसको इसके भी आउटलाइन रिमूव कर दें, नो आउटलाइन। उसके बाद सेलेक्ट करके उसके बाद शेप ले और यहाँ से इसकी कलर चेंज कर दें। सेट में आ जाओ और यहाँ पर वर्ड आर्ट की मदद से हम टेक्स्ट लिखेंगे, वर्ड आर्ट यहाँ पर लिखें। इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ पर बोल्ड कर दे, ओ में आ जाए और यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से इसकी कलर चेंज कर दे, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस, यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, और इसमें मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे। मैं आ जाऊँ और यहाँ पर ऑफलाइन पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से एक पिक्चर से लोगो सेलेक्ट और इंसर्ट कर दे, इसके साइज को कम कर, इसको नीचे की तरफ मूव करें। एक्सपीरियंस, कंट्रोल प्लस बोल्ड, और यहां पर ब्लैक कर दें। और यहां पर कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन कर दें। कंट्रोल प्लस सी और वी कर, कंट्रोल प्लस सी
और यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद इसकी कॉपी और पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर इसको मूव कर दें। इंसर्ट में आ जाए और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी कलर चेंज कर दें। एडिट शेप और एडिट पॉइंट्स में आ जाए, सेलेक्ट करके यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें और इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग।